देखिए फ्रेंड्स, देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है, देख सकते हैं आप। देखिए, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ रिजा, रिजास किचन फ्लेवर में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही यूनिक और यमी रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप, जो है समोसा। ये बहुत ही मजेदार बनता है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आप सबको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जिससे आपको मेरी रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले डो रेडी करेंगे। डो के लिए मैंने यहाँ 2 कप्स मैदा लिया है, आप चाहें तो आटा में भी बना सकते हैं। वन टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, आप चाहे घी में भी बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है आप चाहे घी में भी बना सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छे से, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं आप, इसको ऐसा डो इस टाइप का हो जाना चाहिए, बॉल टाइप का। ऐसे करने से ना बहुत क्रिस्पी बनेगा आपका समोसा जो है, बहुत क्रिस्पी बनेगा। अब क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के इसको डो रेडी करेंगे। एक ही बार वाटर नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे। देखिए मेरा डो रेडी हो गया है, अब इसको कवर कर देते हैं और 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए फिर आगे के प्रोसेस में, चलिए फिर अब समोसा का स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई को हीट कर लिया है, 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, 1 टी स्पून मैंने क्यूमिन सीड ऐड कर दिया है, थोड़ा सौते कर लेंगे। 1 टी स्पून चॉप्ड गार्लिक, उसको भी मैं डाल दी हूँ। 1 टी स्पून गिंजर, वो भी ऐड कर दिया मैंने। ग्रीन चिली 2 to 3, वो भी डाल दिया मैंने। 1 स्मॉल साइज का मैंने चॉप्ड ऑनियन लिया है, उसको भी ऐड कर देते हैं। अब मिक्स कर देंगे, ऑनियन को ऐसे ही फ्राई करेंगे ट्रांसलूसेंट होने तक। देखिए अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब मैं इसमें 1/4 कप मटर ऐड कर रही हूँ, ये फ्रोजन मटर है, आप फ्रेश मटर भी ले सकते हैं उसको बॉईल करके। इसको अच्छे से चलाएंगे थोड़ा देर के लिए, कुछ सेकेंड के लिए। देखिए अच्छे से हो गया है। अब अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है वरना सारे स्पाइसेस जल जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टी स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टी स्पून आमचूर पाउडर, आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं खट्टा के लिए। हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टी स्पून सॉल्ट। अब सब स्पाइसेस को मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे, मिक्स करें अच्छे से। फोर टू फाइव पोटैटोस ले लिया है, बॉइल कर लिया था इसको। अब मैं इसको ऐड करूंगी स्पाइसेस में। अब इसको मैश कर लेंगे मैशर से।
ज़्यादा इसको मैश नहीं करेंगे, इसे मैश कर लें। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दे रही हूँ। अच्छे से मिक्स करें इसको भी। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा मजेदार सा स्टफिंग रेडी हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। आटा देखिए मेरा सेट हो गया है। एक बार और मसल के ऐसे ही एक बार थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। अब चलिए समोसा बनाने। अब मीडियम साइज का एक लोई लेंगे। अब इसको अच्छे से गोल कर लेंगे। अब थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा मैदा लिया है, थोड़ा सा इसको मैदा से ऐसे करेंगे और इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा लगा के और इसको रोल करते जाएंगे। देखिए अच्छे से बेल लिया है मैंने। अब इसको बीच में कट कर देंगे, दो पार्ट में कर देंगे इसको। अब इसको ना ऐसे फोल्ड करेंगे, एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे और यहाँ थोड़ा सा वाटर लगा देंगे कि ताकि अच्छे से चिपक जाए। पूरा सील कर लेंगे इसको एकदम बिल्कुल, ताकि ये तेल में जाए तो फटे ना। देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें स्टफिंग फिल करूंगी, स्टफिंग डाल देंगे। ज्यादा नहीं भरेंगे नहीं तो ये फट जाएगा तेल में जाके। अब इसको क्या करेंगे ना, इसको सील कर देंगे ऐसे, थोड़ा थोड़ा यहाँ साइड में वाटर लगा देंगे और इसको सील कर देंगे अच्छे से। आप जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स, अगर आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल मार्केट का खाना भूल जाएंगे आप। देखिए बिल्कुल मार्केट वाले जैसा दिख रहा है, बिल्कुल देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स ऐसे ही सारे बाकी के जितने भी हैं सारे ऐसे समोसे बना के रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने बाकी के भी समोसे बना के रेडी कर दिए हैं। अब चलिए फिर फ्राई कर लेते हैं। समोसा को डीप फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। देखिए मेरा ऑयल हीट हो गया है। अब फ्लेम को मैं मीडियम कर देती हूँ। हाई फ्लेम पे ये जल जाएगा, फ्लेम को इसलिए मैंने मीडियम कर दिया है। अब मैं इसमें एक एक करके अपने समोसों की फ्राई कर दूंगी। इसको तुरंत से नहीं चलाएंगे वरना ये फट जाएगा। मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़े देर के लिए। अब ना समोसा का साइड टर्न कर लेंगे। देखिए हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है एक साइड में, दोनों साइड ऐसे ही कर लेंगे। अब देखिए समोसा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए मेरा समोसा बहुत बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा।
देखिए फ्रेंड्स, बाकी के भी समोसे मेरे रेडी हो गए हैं। चलिए इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए समोसे कितने परफेक्ट बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मजेदार बना है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है, देख सकते हैं आप। देखिए उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर मेरी रेसिपी आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ ऐसी इजी और यमी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।